हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेली गई 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में अस्थायी रूप से भारतीय टीम के कप्तान बने ऋषभ पंत ने काफी निराशाजनक प्रदर्शन करके दिखाया। इस सीरीज में उनसे ये उम्मीद की गई थी कि वो बतौर कप्तान भारत के लिए रनों का अंबार लगा दे, लेकिन हुआ इसके उलट। ऋषभ पंत इस सीरीज में रन बना ही नहीं पाए, जिसके चलते ऋषभ पंत को अब कई दिग्गज खिलाड़ी टीम से बाहर करने की बात कर रही हैं। विश्व कप से पहले पंत को कई दिग्गजों ने अपनी विश्व कप की प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 से बाहर निकाला है। अब इस सूची में अगला नाम पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान का जुड़ गया है, जिन्होंने भारत की विश्व कप की प्लेइंग 11 का चुनाव किया है, जिसमें उन्होंने ऋषभ पंत को ही टीम से बाहर कर दिया है। इरफान पठान ने ऋषभ पंत की जगह दिनेश कार्तिक को तवज्जो दी है, जो लगातार बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, जिन्होंने IPL 2022 के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुई T20 सीरीज में भी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। इतना ही नहीं, बल्कि पंत इस साल IPL में भी अच्छा फॉर्म नहीं दिखा पाए थे। आपको बता दें कि पंत के अलावा इरफान पठान ने अपनी प्लेइंग 11 में से श्रेयस अय्यर को भी टीम में जगह नहीं दी है, जो इस सीरीज में फ्लॉप साबित हुए थे। हालांकि इरफान पठान की राय से इतर कोच राहुल द्रविड़ पहले ही बोल चुके हैं कि ऋषभ पंत आगे भी टीम की प्लानिंग का हिस्सा रहेंगे और सिर्फ एक खराब सीरीज से कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।